टीवी के मशहूर एक्टर करणवीर मेहरा की दूसरी शादी की तस्वीरों ने उनके फैंस को एक हैप्पी सरप्राइज दिया है। करण ने शादी की है निधि सेठ नाम की एक्ट्रेस के साथ। निधि और करणवीर की शादी बेहद ट्रेडिशनल तरीके से गुरुद्वारे में हुई है और उनकी शादी की झलकियां फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में करणवीर मेहरा की शादी टूटने के चर्चे थे, जब उन्होंने अपनी 8 साल पुरानी शादी तोड़ डाली थी। करणवीर ने अपनी बचपन की दोस्त से लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई और करणवीर ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया। खैर, अब करणवीर मेहरा की जो नई नई वाइफ बनी है वो कौन है और उनसे करणवीर की दोस्ती कैसे हुई और इश्क कैसे शुरू हुआ, आइए आपको बताते हैं। करण और निधि पहली दफा एक ऐड फिल्म की शूटिंग के दौरान साल 2008 में मिले थे। इस समय करण और निधि में अच्छी खासी दोस्ती हो गई, लेकिन करण उस वक्त अपनी पहली पत्नी के साथ रिलेशनशिप में थे, लिहाजा निधि और करण सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह ही मिले। हालांकि बाद में साल 2017 में जब करण और निधि दोबारा मिले तो करण के हालात काफी बदल चुके थे। अगर कहा जाए तो सही मायने में साल 2017 से करण और निधि की प्रेम कहानी शुरू हुई, जो करीब 3-3.5 साल बाद अब एक रिश्ते में तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि निधि एक मॉडल और एक टीवी एक्ट्रेस हैं। निधि का जन्म एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गुजरात के अहमदाबाद में बीता। जब निधि पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान वो सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में AGETA टेनिस अकेडमी में टेनिस खेलती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि निधि एक ट्रेन डांसर है, उन्होंने स्ट्रीट जैज में ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा वो कथक में भी माहिर है। निधि अब तक कई एड्स में भी काम कर चुकी हैं, जिनमें मैक्स, सफोला ओट्स, ICICI बैंक, LG और रसना शामिल हैं। वहीं निधि अब तक फिर कोई है, संगम, किस्मत का खेल, श्रीमद् भागवत महापुराण और मेरे डैड की दुल्हन जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि निधि 2019 में आई म्यूजिक वीडियो चल मेरे भाई में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि निधि गुजराती फिल्म बेटी और हिंदी वेब सीरीज कोल्ड ब्लड में भी नजर आ चुकी हैं। वेल, देखा जाए तो करणवीर की वाइफ निधि काफी पॉपुलर हैं और टीवी का एक नामी चेहरा भी हैं। हम भी इन दोनों की न्यू जर्नी के लिए इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और यही कहेंगे कि इन दोनों का आने वाला समय खुशियों से भरा रहे।